प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल और पुलिस लाठीचार्ज के बाद हालात और बिगड़ गए। अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिमला में पिछले कई दिनों से प्रदर्शनों का दौर जारी है। बुधवार को प्रदर्शन में शामिल लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली। फिर क्या था, देखते देखते पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। इस झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की और लाठीचार्ज कर दिया। शिमला की संजौली में प्रशासन ने धारा 163 लगा दी है, जहां 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। प्रदर्शनकारी शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं, जहां प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल और पुलिस लाठीचार्ज के बाद हालात और बिगड़ गए। अवैध मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शिमला में पिछले कई दिनों से प्रदर्शनों का दौर जारी है। बुधवार को प्रदर्शन में शामिल लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ डाली। फिर क्या था, देखते देखते पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। इस झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की और लाठीचार्ज कर दिया। शिमला की संजौली में प्रशासन ने धारा 163 लगा दी है, जहां 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। प्रदर्शनकारी शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण का विरोध कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।